the great thing is that मेरी भी थोड़ी भी ऑब्जेक्टिविटी बची हुई थी, क्योंकि जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं मॉनिटर नहीं देखता. तो अभी जब मैं पहली बार गट्टू सर ने मुझे दिखाया तो आई वॉज इंसिस्टेंटली वेरी इंट्रीग्ड नोइंग द स्टोरी. सो आई होप वॉट वी हैव ट्राइड टू डू विथ आर ऑनेस्टी एंड स्किल्स यू लाइक वॉट यू सी व्हेन यू वॉच द फिल्म. हाय सारा, कुछ समय पहले हमने सैफ से पूछा था कि सारा कभी डेब्यू करेंगी नहीं करेंगी, तो उनका कहना था कि अभी वो पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं, वो डेब्यू नहीं करेंगी. मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ. पढ़ाई तो मैं 2-3 साल पहले कर रही थी. मेरे फादर का कहना था कि आपको अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी चाहिए यहाँ आने से पहले. अगर उसके बाद आपको फिल्मों का हिस्सा बनना है तो आप बनिए. और वो मतलब टोटली मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप पढ़ाई करके आइए. और फिर जब केदारनाथ जैसी स्क्रिप्ट मुझे मिली और इस फिल्म का हिस्सा बनने का मतलब मौका मुझे मिला, तब दोनों मेरे माता पिता भी मतलब मेरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली थी उसके बाद. मतलब दिल आ गया था कि 3 साल की जो ग्रेजुएशन की डिग्री थी वो इन्होंने 2 साल में, 4 के 3 में इन्होंने कंप्लीट करी है. तो या तो इन्होंने अपना काम जल्दी ख़त्म करके इधर आई है एक्टिंग करने. सुशांत, आप शिव के भक्त हैं जी? फिलहाल तो मैं अपनी हिंदी के को जज कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ने इतने अच्छे से हिंदी में जवाब दिया है कि मुझे भी सॉरी रिपीट कर. आप महादेव शिव शंकर के भक्त हैं? जी बिल्कुल, और अलग अलग तरीकों से मैं उनसे लगाव रखता हूँ. जैसे आपने ट्रेलर देखा है, इसके पहले तो सिर्फ टीजर आया था. तो जब लोग एक टीजर देखते हैं अपनी अपनी राय बनाते हैं, एक अलग अलग पर्सपेक्टिव बनता है. बट अभी धीरे धीरे फिल्म खुलेगी, लोग फिल्म देखेंगे, और जब वो फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनको तकलीफ होगी. इसमें बहुत सारा प्यार है और बहुत सारी श्रद्धा है, और मुझे नहीं लगता कि लोग निराश होंगे इसको देखकर. यू वांटेड टू बी योर फर्स्ट सिम्बा और केदारनाथ? How can you ask me a question like that? They're both such different experiences and such different films. How can you ask me that? मैं क्या बोलूँ? दोनों ने मुझे चुना उसके लिए ही मतलब मैं बहुत ही grateful हूँ. मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ? How was it working with Sushant? How much did he help you? You know, I'm so glad you asked me that, because I don't know how I've done in this film. I've really, really tried my best, but I don't think I would have been able to do any of it without Sushant. He has just been the most helpful person to have had. There were days where, you know, I was a little lost. I was a little, you know, scared. Like you said, first time I'm facing the camera, but he was just always hands-on. And it was so amazing to, like, not just, you know, with Hindi. I like that you said you like my Hindi, lekin jo bhi main bolti hu ki tooti taati Hindi inhone hi sikhai hai. Inhone pehle hi kaha tha ki mere se Hindi mein hi baat karna. तो ऐसे करते करते मतलब थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख ली, इंशाल्लाह थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीख ली. इन्होंने बहुत बहुत मदद की मेरी. तो हुम डिड यू अप्रोच एक्चुअली, पहले सैफ अली खान या उनकी मॉम को? एंड व्हाट डिड यू, आपने क्या कहा कन्विंस देम? एक्चुअली इनके एक रिश्तेदार हैं संदीप खोसला, मैं उनको जानता हूँ. तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मेरी मीटिंग कराई इनके साथ. और एक बार वो मीटिंग हो गई तो फिर बात धड़ाधड़ चली और याद ही चलना. सारा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, व्हेन यू वे अप्रोच एक्चुअली, सबसे फर्स्ट टाइम जैसे आपको पता चला कि देयर इज अ स्टोरी व्हिच हैज कम फॉर यू एक्चुअली, व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड हुम डिड यू एक्चुअली यू नो स्पोक रिगार्डिंग दिस थिंग टू योर डैड योर मॉम, व्हाट वाज इट? जैसे गट्टू सर ने आपको कहा, संदीप के घर पर हमारा नरेशन हुआ था. गट्टू सर थे वहाँ, कनिका जो हमारी लेखक हैं वो भी थी, उन्होंने नरेट किया था हमें, और मैं अपनी मॉम के साथ थी वहाँ. और ये सुनकर मतलब सबके रोंगटे खड़े हो गए थे और आँखों में पानी, और मतलब बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था. बहुत ही मुझे याद, मतलब आज भी याद है कि कैसा लगा वो नरेशन सुनने के बाद. तो तभी बस तय हो गया था मन में कि यही होगा. माय क्वेश्चन इज टू यू सुशांत, वी फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया एंड यू आर अ मैन ऑफ साइंस, यू ऑलवेज टॉक अबाउट साइंस. दिस फिल्म हियर इज अबाउट फेथ. Absolutely. And a man who follows science like that and does a film about faith, I mean, what do you have to say on that? I would just like to add a nuance to it, that not in every context they go diametrically opposite ways. There are different ways of investigation of the truth, one of which, and very precise, is science. And another thing that could come very handy is faith. So both can go along each other, and I'm so glad that
as far as I'm concerned, there are different ways that I like the truth, one of which is faith and the other is science. It is your debut, 2018, and congratulations for that. Thank you. Of course, another debut that happened was Janhvi Kapoor. That film did very, very well. But there's obviously going to be just one best debut of the year award. are we going to have like a face-off in the boxing ring, the two of you? Not at all. I mean, like I've said previously, I mean, I think that all of us are here to just do our jobs and we're really no one to decide anything, you know. She's done amazingly. I saw Dharak. I thought she was fantastic. And I hope everybody's loved her work. And I hope that people, you know, like my work too, God willing. And then the rest is whatever happens. Or jab acting mein aapko suggestion chahiye, to aap kiske paas jaati hain? वैसे तो मैं मॉम के साथ रहती हूँ तो कभी कभार उनसे एक दो सवाल कर लेती हूँ लेकिन जब ये हमारे को एक्टर हैं और ये हमारे निर्देशक हैं तो फिर घर पे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता तो लकीली इट्स बिन वन ऑफ दोज वी डू ग्रेट वर्क गॉड विलिंग ऑन सेट सो इट्स प्रीटी इजी लाइक दैट जी आई मीन आई थिंक दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मॉम टू बी अनबायस्ड यू नो आई एम अ डॉटर एंड आई डोंट लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर So I think that combination makes it a little bit difficult for her to truly be unbiased about what she sees. So I mean, she wishes me the best and she hopes that you guys and then everybody else out there likes it because honestly, she's gonna like it. You know, she's gonna like whatever I do, I'm her baby. But if you guys like it, y'all are the deciding factor, you know, and she knows that. उससे आप कितना प्रेशर महसूस कर रही हैं कि comparisons होते रहेंगे? प्रेशर तो होता है लेकिन फिर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आपके लिए आसान है आपको दो पिक्चरें मिल गई हैं आपका किसी ने काम नहीं देखा है तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के मतलब दो हिस्से होते हैं तो एक कहने को तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर है लेकिन फिर बहुत सारे मतलब बेनिफिट भी मिलते हैं जिनसे मैं भाग नहीं सकती मैं जानती हूँ कि अभिषेक सर या रोहित सर ने मुझसे काम करने के लिए मतलब मैं उनसे उनके पास जाकर काम मांग सकी वो ही बहुत बड़ी बात है तो प्रेशर तो होता है लेकिन प्रेशर मुझे लगता है हर इंसान पर होता है और मैं बस अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मेरे पास एक नहीं बल्कि दो फिल्में हैं इस साल में और मैं चाहती हूँ और कोशिश की है और शायद आप लोग देख रहे हो कि काम ठीक हो